आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक फोर्स न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। जो भी समाचार हम आपको पब्लिश करते हैं, अगर आपको उनसे कुछ भी समर्थन है या एतराज है तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। का बरवाड़ा एकड़ा गांव के अधेड़ की पुलिस कस्टडी में हुई मौत को लेकर हंगामे के बाद रविवार देर शाम को अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस जरूर ली, लेकिन इस पूरे मामले ने पुलिस कार्रवाई पर सवालिया निशान उठा दिए। पुलिस की कार्यप्रणाली देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वह हत्या का पूरा दोष मृतक के भाई तथा अन्य पर लगाने की तैयारी में है। भास्कर की पड़ताल में इस मामले को लेकर कहीं चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। शनिवार को घटना के बाद जब मीडिया के परिजनों के बयान रिकॉर्ड किए तो उनका कहना था कि चाचा रामकिशन के दबाव में पुलिसकर्मी गांव आए तथा मृतक के साथ मारपीट करते हुए बाइक से थाने ले गए, जहां भी उसकी पिटाई की गई और वहीं उसकी मौत हो गई। मृतक की बड़ी बेटी राजंती मीणा तथा अन्य परिजनों ने पुलिस मारपीट की बात कह रही थी। रविवार दोपहर पुलिस को मृतक के नाबालिग पुत्र दिनेश के FIR प्राप्त हुई। इसमें उनका कहना है कि उसके पिता को चाचा तथा अन्य लोगों ने मारा है। सवाल ये उठता है कि 24 घंटे बाद परिजनों ने अपना स्टैंड कैसे बदल लिया। परिजनों के बयान बदलने से यह साफ होता है कि वह अब पुलिस को बचाकर अन्य लोगों पर कार्रवाई चाहते हैं। जमीन विवाद को लेकर मृतक तथा उसके भाई के परिजनों का भी शुक्रवार को झगड़ा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने मृतक के भाई को शुक्रवार को थाने ले जाकर 151 में बंद भी किया था। इसके बाद शनिवार को पुलिसकर्मी भजन लाल मीणा को पुलिस थाने ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। जब झगड़ा आपस में हुआ तो शुक्रवार को ही भजन लाल को थाने क्यों नहीं ले जाया गया। वहीं मृतक की बड़ी बेटी राजंती मीणा तथा अन्य परिजनों ने पुलिस से मारपीट की बात कही थी। आखिर थाने में मृतक के सिर में चोट कैसे आई? सवाल यह भी उठ रहा है कि पुलिस के अनुसार जब भजन लाल की रामकिशन तथा अन्य लोगों ने मारपीट की थी तो उसे घर पर क्यों परेशानी नहीं हुई।